पास में लेके आओ। तो देखिए ये तो स्टारिंग बॉक्स है, इसके बारे में आज बात करेंगे और ये स्टारिंग बॉक्स रिपेयर करेंगे, तो इसका फुल बारे में आज बात करेंगे। स्टारिंग बॉक्स रिपेयर कैसे करना पड़ता है और कैसे होता है, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो देखिए जैसे कि ये कंपनी का स्टारिंग बॉक्स है, थोड़ा और पास में ले गया। ये देखिए जैसे कि ये कंपनी का स्टारिंग बॉक्स है, ये आपका एक बार रिपेयरिंग होने से और दूसरा बार भी रिपेयरिंग होगा, लेकिन ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं होगा। ये सुजुकी का स्टारिंग बॉक्स है, अगर ये आप ये इसका वीडियो देख रहे हैं तो आप कोई भी गाड़ी का स्टारिंग बॉक्स रिपेयर कर सकता है, जैसे कि सुजुकी, होंडा, महिंद्रा, कोई भी गाड़ी सेम सिस्टम है, आपको सिर्फ रिपेयरिंग करना। तो हम फुल डिटेल्स में बात करेंगे कैसे रिपेयरिंग करना है, कैसे खोलना है, कौन सा बूश खराब होता है, कौन कौन चीज़ खराब हुआ है, सब आपको दिखाएंगे। जैसे कि देखिए ये कंपनी का सील है, देखिए अभी तक खोला नहीं है, थोड़ा पास में लेगा जब देखा, देखिए ये अभी तक खोल नहीं चुका है। अगर आपका एक बार रिपेयरिंग हो गया तो दूसरा बार रिपेयरिंग इसको मत कीजिए, दूसरा बार रिपेयरिंग करने से ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं होगा। तो कैमरा इधर नजदीक में देखा, देखिए देखिए कैसे कंपनी का है, अभी तक खोला नहीं है, तो इसको हम आज रिपेयरिंग करने वाला है। तो इसका अंदर जो एक बूश होता है, वो बूश इसका ज़्यादातर बूश खराब होता है, और ये जो बॉल्जन है, बॉल्जन खराब होता है, और ये जो टायरटन है, टायरटन खराब होता है। जैसे कि देखिए टायरटन ये ठीक है, इसमें पिले नहीं है, और इसको तो देखिए बॉल्जन है, इसमें बहुत पिले हैं, और इसका अंदर का जो बूश है, थोड़ा पीछे से दिखाओ, पीछे देखो देखिए कैसे पिले हो रहा है, और थोड़ा आगे लेके स्टारिंग बॉक्स को आस पास देखा, देखिए ये कैसे पिले हो रहा है, इतना पिले नहीं होगा। देखिए ये हाथ से अब जैसे इधर से उधर जा रहा है ना स्टारिंग, ऐसे नहीं होगा स्टारिंग कॉलम। तो इसका अंदर का जो बूझ है वो पूरी तरीके से ख़त्म है, और इसके लिए गाड़ी में पूरा घुटुक घुट 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 आवाज़ आता है गाड़ी में, जो नॉइज़ होता है घुटुक घुटुक घुट करके, तो इसी का होता है स्टारिंग बॉक्स का। तो जैसे कि देखिए तो स्टारिंग बॉक्स दोनों है, और हम दोनों का दोनों फुल खोलेंगे, खोल के देखेंगे इधर कौन सा जो पार्ट्स है, जो आशा होगा दोनों के लिए, उसमें से दोनों से एक जोड़ेंगे और एक को आशा बनाएंगे। तो इसका कॉलम इधर का, तो स्टारिंग का बेयरिंग बताए, बॉल्जन, और इधर तो टायरटन है, दोनों सब कुछ खोलेंगे और दोनों का जो आशा वाला होगा उसमें इसे एक जोड़ेंगे, और इसका हम सिर्फ एक नया चीज़ लगाएंगे, वो एक बूश लगाएंगे, जो अंदर का जो बूश होता है छोटा वाला बूश, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं, सिर्फ वो बूश डालेंगे। ये बॉल्जन भी रिपेयरिंग होता है, वो भी आपको हम खोलेंगे और दिखाएंगे बॉल्जन में भी कैसे रिपेयरिंग करके स्टार्ट कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि देखिए आपको पहले खोलने का पहले साफ सफाई करना ज़रूरी नहीं है, खोलने का पहले ज़रूर सफा कीजिए, उसके बाद काम स्टार्ट कीजिए। तो जैसे कि देखिए ये बॉल्जन, देखिए बॉल्जन का हालात पूरी तरीके से ख़राब है, और देखिए ये स्टार्टिंग कॉलम ये एकदम सही है, और ये हो गया हमारा बॉल्जन। और देखिए बॉल्जन खुलने का हमारा देसी टेक्निक है, और ये हो गया बॉल्जन का लॉक, और ये देखिए दूसरा सेट का जो बॉल्जन है, और देखिए इसमें भी पहले है, और ये भी हम रिपेयर करेंगे बॉल्जन, देखिए। और इसका स्टारिंग कॉलम है, देखिए एकदम सही है, और देखिए स्टारिंग बॉक्स का जितना भी सामान है खोलने का टाइम में सब एक जगह में रखने से आपका फिटिंग करने से कोई मुश्किल और प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखिए ये हो गया हमारा जो एग्जस्ट होता है स्टारिंग रैक का एग्जस्ट बोल्ट, देखिए ये जो बोल्ट है ये हमारा एग्जस्ट का बोल्ट है, स्टारिंग बॉक्स का टाइट और लूज का जो एग्जस्ट होता है वो इससे होता है। हमारा स्टारिंग कॉलम का बेयरिंग, देखिए ये जो बेयरिंग है, बेयरिंग एकदम सही है, और इसी को ग्रीसिंग करके लगाना पड़ेगा, देखिए बेयरिंग में कोई पेले और कोई नॉइज़ भी नहीं है, ये हमारा गाड़ी का लग जाएगा। और देखिए ये हो गया हमारा स्टारिंग रैक, देखिए स्टारिंग रैक एकदम फ्रेश है, इसमें कोई दागी भी नहीं है, कोई जंग भी नहीं है, और इसी को हम धुलाई करेंगे, उसके बाद इसको ग्रीसिंग करके फिटिंग करेंगे। देखिए इधर अंदर एक बूश दिखाई दे रहा है, अच्छा से देखा अंदर में दिखाई दे रहा है, देखिए जो बूश दिखा रहा है यही बूश है, ये बूश ज़्यादातर से ख़राब होता है ये बूश, और इसका लिए पूरा आवाज़ होता है, तो ये बूश को हम चेंज करेंगे। और ये बूश निकालने के लिए आपको एक 17 नंबर का गुटी चाहिए, देखिए 17 का हम जो गुटी सॉकेट लिया है, तो ये गुटी आपको डालना है, और जो रैक है रैक ऊपर से डाल के आपको नीचे पेशार करने से, देखिए ये चला आएगा ऊपर से बूश, देखिए हम नीचे से पेशार किया, देखिए बूश चला आया, देखिए यही बूश है, और ये बूश ज़्यादातर ख़राब होता है। तो देखिए यही है स्टिंग रैक का बूश, और ये ज़्यादातर जल्दी ख़राब होता है, और इसी के लिए ज़्यादा आवाज़ आता है गाड़ी में। अब देखिए जैसे कि ये बूश है, और देखिए रैक है, देखिए हम रैक के अंदर डालेंगे, आप देखिए कितना पहले है इसमें, देखिए इतना पहले नहीं होना चाहिए, ये टाइट जाना चाहिए, इतना पहले नहीं होगा,
नया बुश भी आपको लगा के दिखाएंगे कितना टाइट होता है। तो देखिए हम बॉजन को खोल दिया है, दोनों स्टारिंग बॉक्स खोल दिया है। देखिए ये बॉजन एकदम पूरी तरीके से खराब है, इसको हम रिजेक्ट किया है, ये नहीं चलेगा। इसको भी रिजेक्ट किया बॉल्जन, ये भी नहीं चलेगा। और देखिए ये जो बॉल्जन है ये एकदम सही है, देखिए कितना टाइट है। और फिर पिले भी नहीं है, और इसमें पूरा पिले था, इसमें पूरा पिले था, ये नहीं होगा इसमें हम। और इसको देखिए हम टाइट है, और भी थोड़ा इसको टाइट करेंगे। और इसको अभी पूरा हम लोग पूरा तेल से धोई धाई करके एकदम साफा करके उसके बाद फिटिंग करेंगे। और जितना भी पार्ट्स है हम आस्था से बढ़िया से धुलाई करके रख दिया है इधर देखिए, और एकदम साफा आस्था से हुआ है। और देखा जो हम दोनों बूश का बात किया, तो देखिए ये दोनों बूश है, सुजुकी की गाड़ी में यही दोनों बूश लगता है, एक छोटा वाला होता है एक बड़ा वाला होता है। देखिए इसमें छोटा वाला लगने वाला है। और देखिए जो नया बूश है, देखिए हम रैक का देखिए डाल के दिखा रहे हैं आपको, देखिए इसमें कितना टाइट जा रहा है, देखिए देखिए इसमें कितना टाइट भी जा रहा है और पहले भी नहीं है इसमें। और देखिए इसके जो दाता है, इसमें बूश में तीन दाता होगा और इसका रैक में भी तीन दाता होगा। और ये जो दाता देख रहे हैं आप, ये दाता में जाके बैठ जाएगा, उधर उधर लॉक हो जाएगा। और ये लगाने का टाइम में आराम से दाता देख के इसको लगाना चाहिए। तो देखिए हम जैसे कि बूश बैठा दिया है, और आपको बूश बैठा के 17 नंबर का एक टो घुटी से आराम आराम से ठोकना चाहिए। और देखिए जैसे कि अभी हम कॉलम में ग्रीस लगाने वाला है, देखिए दूसरा कॉलम में आपको ग्रीस, देखिए एक नंबर ग्रीस है, ओरिजिनल ग्रीस है, एकदम लाल वाला जो ग्रीस है। और देखिए इसमें ग्रीस एकदम अच्छा से आपको बढ़िया से लगाना है। और जैसे कि हमारा रैक में पूरा हम ग्रीस डाल दिया है, अभी रैक फिटिंग करेंगे, रैक अभी अंदर डालेंगे। और हम रैक फिटिंग कर दिया, और देखिए ये रैक का जो बेयरिंग है, और हम बेयरिंग में पूरा ग्रीसिंग कर रहे हैं। और हम बेयरिंग का जो कॉलम है वो भी डाल दिया। और ये है बेयरिंग का मेन नट, और ये नट को हमेशा फुल टाइट करना चाहिए। और ये हमारा फुल टाइट हो गया है, और अभी हम लगाने वाला है स्टार्टिंग एग्जॉस्ट का जितना भी पार्ट्स हैं। देखिए ये एग्जॉस्ट का कवर लगाएंगे, उसका बाद स्प्रिंग, और उसका बाद एग्जॉस्ट नट। तो ये एग्जॉस्ट का कवर है, ये एग्जॉस्ट का कवर को आस्ते-आस्ते लगाने के बाद देखिए ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को लगाना है, उसके बाद एग्जॉस्ट नट, और उसके बाद एग्जॉस्ट नट का ऊपर का जो बड़ा नट लगेगा। क्योंकि इसको लगा के इसको आपको फुल टाइट, ज़्यादा फुल टाइट नहीं करना है, इसको आपको एग्जॉस्ट करके देखना पड़ेगा कितना टाइट है, लूज है, उसके बाद फुल टाइट करना पड़ेगा। और देखिए अभी हम बॉल्जन फिटिंग करेंगे, और देखिए बॉल्जन, देखिए बॉल्जन टाइट करने का जो तरीका है बॉल्जन को, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको कपड़ा लेना है, कपड़ा थोड़ा छोटा करके एकदम छोटा करके आपको अंदर डालना है। देखिए हम जैसे कपड़ा अंदर डाल दिया है, आपको अभी थोड़ा सा ग्रीस लगा के टाइट करना है, ये जो बॉल्जन है आपको ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएगा। और जैसे कि देखिए हम अंदर में जो कपड़ा डाल के टाइट किया, और कपड़ा आपको मीडियम डालना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं डालना है, ज़्यादा थोड़ा छोटा डालने से टाइट नहीं होगा, और ज़्यादा मोटा भी डालना नहीं है, ज़्यादा मोटा करके डालने से आपका बॉल्जन ज़्यादा टाइट होगा, इससे आपका अलाइनमेंट मिलाने का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा डालना है, आपको अंदाज करके डालना है, उसी हिसाब से लगा के टाइट करना है। और ये टाइट करने से आपका बॉल्जन से ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा, बढ़िया काम करेगा, और आपका नया बॉल्जन डालना नहीं पड़ेगा, और आपका बॉल्जन एकदम पूरी तरह से ख़त्म होगा। तो आप जैसे कि देखिए हम दो बॉल्जन रिजेक्ट किया, ऐसा होने से आपको बॉल्जन सेस करना पड़ेगा। देखिए ये थोड़ा सा सोलने वाला था, और ये बॉल्जन को हम कपड़ा से टाइट किया है, देखिए हम दो तरफ का टाइट किया, और आपको टाइट करने के बाद आपको बॉल्जन को लॉक ज़रूर करना है, लॉक आस्था से करना है। देखिए आपका बॉल्जन जैसे कि लॉक होने से थोड़ा अगर लूज़ भी होगा तो आपका बॉल्जन निकल के नहीं जाएगा गाड़ी में, अगर ये लूज़ होगा तो आपको फुल टाइट भी होगा ना, गाड़ी चलाते 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 ऐसा हो जाएगा कि एक बार बॉल्जन खोल के खोलते आस्ते आस्ते खोलते खोलते बॉल्जन निकल जाएगा गाड़ी से। तो ये ध्यान से आपको एकदम लॉक करना है बॉल्जन का, देखिए हम जैसे कि बॉल्जन लॉक कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकता है बढ़िया से लॉक हो चुका है, और इसको हम बॉल्जन को अभी पूरा अच्छा तरीके से मज़ा से ग्रीसिंग करेंगे। देखिए जैसे कि हम ग्रीसिंग कर दिया है, अभी इसको बूट बकेट लगाएंगे, और बूट बकेट लगाने का टाइम में आपको ज़रूर ध्यान देना है कि बूट बकेट का जो अंदर है इसको गैस नहीं जमना चाहिए, इसके अंदर जो गैस होता है, एयर होता है, हवा, वो निकाल देना चाहिए। अगर आप इसके अंदर हवा होगा तो आपका जो बूट बकेट है ये जल्दी ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा। और इसको देखिए पहले आगे लगाना है, देखिए हम जैसे गुड़ा से टाइट किया, और देखिए इसका एयर कैसे निकलना पड़ता है, देखिए जैसे कि स्क्रू ड्राइवर हम डाल दिया, और देखिए इधर पाम करने से इसका एयर निकल जाएगा, यही तरीका है इसको एयर निकालने का।
और आप लोग जैसे कि देख रहे हैं स्टारिंग बॉक्स खोलने का पहले ये जो वॉल्जन है कितना लूज था और कितना पहले था, और देखिए अभी कितना टाइट हो चुका है, कितना बढ़िया काम कर रहा है। और जैसे कि देखिए हम अभी इसको एडजस्ट कर रहा है, और इसको आपको एडजस्ट करने का टाइम में अगर आप स्टारिंग बॉक्स रिपेयर कर रहा है तो एडजस्ट में थोड़ा आपको थोड़ा टाइट ही रखना है। और आप लोग जैसे कि देख सकता है ये हमारा पूरा रिपेयरिंग हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और देखिए इसका वॉल्जन देखिए कितना टाइट हो चुका है, एकदम बढ़िया से बनाया। और आज का वीडियो इतना था, वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसा वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल को ज़रूर सेट कीजिए।